संसार में जितने भी पशु पक्षी हैं, जितनी भी प्रकृति है, सब की सब प्रकृति अपनी योनि के अंदर खुश है, संतुष्ट है। मानव परमात्मा ने इसलिए बनाया ताकि सब का ध्यान रख सके, सबकी सहायता कर सके, इस संसार को चला सके। लेकिन मानव बनाया सबसे श्रेष्ठ, मानव के मन में ये बात रहती है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। वो प्रकृति में तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन मानवों में भी खुद को सबसे श्रेष्ठ मानने लगता है और यहीं से उसका रोग शुरू हो जाता है। उस रोग की ना कोई दवाई है, ना वो इलाज कराना चाहता इस रोग का, बस इस रोग से पीड़ित हो करके भरमने लगता है, दौड़ शुरू हो जाती है, प्रत्येक जगह दौड़ शुरू हो जाती है। किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे आप टीचर में देख लीजिए, चाहे सैनिकों में देख लीजिए, डॉक्टर में देख लीजिए, नर्सों में देख लीजिए, क्लर्कों में देख लीजिए, ऑफिसर में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, किसी भी जगह देख लीजिए, समाज से लेकर के और जहाँ हम नौकरी कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, हर जगह दौड़ शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि जहाँ आप बैठे हुए हैं, यहाँ भी आप बैठते नहीं, दौड़ते रहते हो। यहाँ भी ठहराव नहीं, भाग दौड़ मची ही रहती है। ना शांत होते हो, ना ठहरते हो, ना ठहरने की कोशिश होती है, बस एक बिना मंजिल के, बिना ख़त्म होने वाली दौड़ लगी हुई है। वो जीव जो दौड़ करके परमात्मा तक पहुंचना चाहता है, उस जीव को ये नहीं पता कि परमात्मा दौड़ने से नहीं, ठहरने से मिलेंगे। और जब तक आप ठहरोगे नहीं, परमात्मा नहीं मिलेंगे।